दोस्तों आज हम एक वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ घर डिफाइन करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्लान है और ये जो हमारा प्लान है, एक पेड यूजर हैं हमारे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया गया है, जिसका साइज है 26x42। 26x42 फीट में वास्तु के अकॉर्ड पूरा घर बना हुआ है और इस थ्री साइड क्लोज्ड है, फ्रंट से ओपन है। पूरा आज हम मेथड बताने वाला, बहुत ही टॉप क्लास घर है। और बात करूँ, कार पार्किंग भी मिलती है, गेस्ट रूम भी आपको यहाँ पर मिलता है, साथ साथ दो एक्स्ट्रा बेडरूम मिलते हैं, लेट बाथ, स्टेयर, सब सारा पूरा आपको डाइनिंग हॉल वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। 26x42 फीट का ये मॉडल था, हमारे के यूजर हैं जिन्होंने कॉन्टेक्ट किया और हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया, उनके अकॉर्डिंग ये पूरा घर बना है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है। तो आज हम इसी को बताने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बने रहे इस हमारे चैनल पर। और चैनल को अगर अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान को, तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। हम आपसे लगातार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अगर आप भी एक बढ़िया सा घर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमें लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहें। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा 26x42 फीट में ओवरऑल बना हुआ है। मैं टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये बीच में स्टेयर से जीना है, जो गुमटी आप देख रहे होंगे, और ये आप साइड में देख रहे होंगे क्लोज्ड है। तीनों साइड आपका मकान बना होगा या किसी और की ज़मीन होगी, इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड है। कल फ्रंट में ओपन है, फ्रंट का डिज़ाइन भी आप देख रहे होंगे बेहतरीन सा है, गुमटी का डिज़ाइन वगैरह। ये मेन डोर है जहाँ से आप कार पार्किंग भी कर पाएंगे, 8 फिट का आपका मेन डोर लगा है। यहाँ पर एक गेस्ट रूम है जिसको मैंने विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। ये ग्रिल का डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, ग्रिल का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, एक हट के थोड़ा बेहतरीन सा ग्रिल का डिज़ाइन आपका बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे आते हैं, तो ये देखिए जो आपको स्टेप दिख रही है ना, ये डिजाइनिंग के पर्पज से है दोस्तों। ये जो आपका छज्जा लिख रहे हैं ना आगे, उसी पर बना हुआ, तो आप इसे हटा सकते हैं अभी। तो ये देखिए मैंने हटा दिया। अब देखिए आपका ये मेन जो फ्रंट है, ये गेट है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। जैसे आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग का स्पेस मिलता है। हालांकि यहाँ बड़ी कार पार्किंग नहीं हो पाएगी, लगभग 16 फीट स्पेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हो पाएगी। इसके बाद ये आपका गेस्ट रूम है जो बेहतरीन सा है, आप देख सकते हैं। फ्रंट से विंडो है, इधर साइड से विंडो, जो डोर मैंने दिया ना इधर से दिया। ये अगर डोर यहाँ से नहीं देना चाहते तो आप इधर से भी दे सकते हैं, ये आप डिपेंड करता है। ये गेस्ट रूम है। इसके बाद ये स्टेयर्स है, आप स्टेयर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होंगे, फिर आप इधर की तरफ आ जाएंगे। इसी के नीचे आप एक लेट या बात बना सकते हैं, स्टेयर्स के नीचे काफ़ी जगह होगी, उसके नीचे आप लेट बात भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री होगी, ये एक विंडो वेंटिलेशन के लिए। आप इस मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। ये एरिया पूरा आपका डाइनिंग हॉल का है, जो देख पा रहे होंगे डाइनिंग हॉल है। इसके बाद इधर आपका एक और लेट एंड बाथ मैंने बनाया, ये वॉशिंग एरिया बनाया है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं वॉशिंग। लगभग 3 फुट की जगह यहाँ पर छूटी हुई है, यहाँ से जाकर वॉशिंग एरिया आप लगा सकते हैं। और ये आपका लेट एंड बाथ कंबाइंड बना हुआ है, तो डाइनिंग हॉल। इसके बाद ये आपका एक और बेडरूम, इसके लिए देखिए यहाँ से डोर और ये विंडो मैंने दिया है। इसके बाद आप आगे जाते हैं, आपको इस कॉर्नर पर मिल जाती है किचन। देखिएगा किचन काफ़ी बड़ी है, ये आपका यहाँ पर विंडो डोर लगा हुआ, ये विंडो लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये इस कॉर्नर पे एक और बेडरूम देखने को मिलता है, ये आपका पूजा घर बना हुआ है। किचन जस्ट ये वास्तु के अकॉर्डिंग दोस्तों पूरा घर बना हुआ है, वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा ये पूजा घर आपका और ये मंदिर आपका है, जिसे आप पूजा घर बोल सकते हैं। किचन, दोनों बेडरूम, लेट बाथ, डाइनिंग एरिया और इधर आपका कार पार्किंग, साथ साथ ये आपका गेस्ट रूम और आपका यहाँ पर स्टेयर्स, उसके नीचे लेट एंड बाथ। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्लान 26x42 फीट में पूरा बना हुआ, आप देख पा रहे होंगे इसका 3D व्यू। आपको मकान बनने के बाद कैसा लगेगा ये आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पूरा 26x42 फीट। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट फ्लोर आपका ये देखिएगा। लास्ट फ्लोर मैंने दिखाया भी था, ये गुमटी है जो आपको छत को ढकेगी, स्टेयर्स को ढकेगी, इसके पूरी ओवरऑल छत बनी है। 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल का डिज़ाइन आपके सामने बना हुआ है। ये देखिए ग्रिल जो बना हुआ है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर एक ब्लॉक है, उसमें 2 कट बने हुए हैं, इधर एक ब्लॉक बड़ा सा, फिर इसका स्लोप राउंड शेप और ब्लॉक कटे हुए हैं, इसका ये ग्रिल बीच में लगा हुआ है। ये इसका 2D प्लान पूरा मैं अपने जो भी हमारे कस्टमर उनको दे चुका हूँ, अगर आप भी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें, अगर आप किसी प्रकार का घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग 2D 3D प्लान, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर मैं आपसे बात करूँगा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके घर को प्लान करता हूँ। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि ये हमारी पेड सर्विस है, फ्री में कॉन्टैक्ट ना करें। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।